बच्चों का बेहतर रिजल्ट बच्चों के साथ साथ अभिभावकों एवं विद्यालय प्रशासन को भी खुशी देता है और कुछ ऐसा ही खुशनुमा माहौल दिख रहा था जहानाबाद एरोड्राम में अवस्थित एमपीसी स्कूल में, जहां सेकेंड टर्मिनल का रिजल्ट वितरण एवं टीचर पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया था। इस मौके पर काफी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे एवं बच्चों का रिजल्ट पाकर खुशी महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर एमपीसी विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार, प्रिंसिपल अनुराधा कुमारी सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अभिभावकों एवं बच्चों से रूबरू होकर बच्चों की गतिविधि एवं बच्चों के रिजल्ट को लेकर एक दूसरे से सामंजस्य बनाते दिखे। इस मौके पर एमपीसी विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि हमेशा की तरह एमपीसी विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि एमपीसी स्कूल में बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी काफी मेहनत करते हैं, जिसके फलस्वरूप एमपीसी विद्यालय के बच्चे आज के समय में देश के विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल अनुराधा कुमारी ने अभिभावकों को बच्चों के लिए निर्देश दिया कि विद्यालय के बाद जब बच्चे घर पर रहते हैं तो हमेशा उन पर नजर रखें, उनके पढ़ाई को देखें, उन्हें अपना वक्त दें। साथ ही साथ इस मौके पर डायरेक्टर प्रमोद कुमार व विद्यालय के प्रिंसिपल अनुराधा कुमारी ने सभी बच्चों, अभिभावकों, जहानाबाद जिले वासियों एवं बिहार वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। हर साल जिस तरह रिजल्ट होता था, उस प्रकार रिजल्ट का सिलसिला तो बार बार लगा हुआ है। अब बच्चों में भी उत्साह दिखा जा रहा है कि भाई पहले से जब रिजल्ट होता है फर्स्ट टर्म की अपेक्षा सेकेंड टर्म का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म बच्चे आते हैं, नए क्लास ज्वाइन करते हैं, उनको क्लास में समझने में थोड़ा सा दिक्कत, मगर ये जो अंतराल होता है सेकेंड टर्म का, इसमें वो परिपूर्ण भांति से अच्छे हो जाते हैं, जिसका नतीजा है कि बच्चे का समन्वय शिक्षकों के साथ और शिक्षकों का समन्वय बच्चों के साथ ये जान जाते हैं और अच्छा रिजल्ट करता है। और इस बार भी सेकेंड टर्म का रिजल्ट अच्छा हुआ है, जो बच्चे जो निगेटिव थे उसका भी नंबर देख रहे हैं कि वो लड़का प्लस की ओर है, पॉजिटिव की ओर है। ये सब दिन ऊपर वाले माता रानी का कृपा है और पूरे बच्चों का भी उत्साह है और गार्जियन का भी मेहनत है। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को आप? सर, अभिभावकों का हमारा उनके साथ कहना ये बात है कि भाई जब तक हमारा मिशन कामयाब नहीं होगा, जब तक वो साथ हमारे नहीं जाएंगे। और कामयाब वही इंसान हो सकता है कि जिनके पीछे अभिभावक रहते हैं। हम घर पे नहीं जा सकते, हम केवल स्कूल के माहौल को ही देखते हैं और बाहर के माहौल को पेरेंट्स देखते हैं। और पेरेंट्स अगर हमें उसका बताएंगे, उसका प्रतिक्रिया बच्चों को बताएंगे, तब जाकर हम दोनों का मिशन एक राह हो जाएगा और बच्चा कामयाब होगा। बहुत सा ऐसा उदाहरण भी आया है कि हमारा बच्चा 2003 से चल रहा है स्कूल आज तक माता रानी की कृपा से, और आज हमारा बहुत सा लड़का अच्छे अच्छे जगह पे यूक्रेन में भी जाकर डॉक्टर बना, बहुत सा इंजीनियर बना। ये सब देन पेरेंट्स का भी मानते हैं और प्लस हमारा देन है, स्कूल का भी देन है, पूरे शिक्षकों समाज का देन है।